तो आईपीएल 2020 का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता निर्धारित 20 ओवर के अंदर 174 रन बना डालती है 6 विकेट खोकर। जवाब में आई राजस्थान इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाती है और निर्धारित 20 ओवर के अंदर 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना पाती है। कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, कैसी देखने को मिली बैटिंग, कैसी देखने को मिली बॉलिंग, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखते जाइएगा जो लास्ट में टॉम कुरन की बैटिंग देखने को मिली वो आपको कैसी लगी और आपको सबसे ज्यादा बैटिंग या बॉलिंग परफॉर्मेंस इस मैच के दौरान किसकी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल 34 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा रन कोलकाता की तरफ से 47 बनाते हैं। वहीं मॉर्गन 23 गेंदों का सामना करते हुए 34 नाबाद। वहीं आंद्रे रसेल 14 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाते हैं। बात करें रॉयल्स के बॉलर्स की, राजस्थान की तरफ से जोफ्रे आर्चर 4 ओवर फेंकते हैं, महज 18 रन देते हैं और 4 विकेट भी लेते हैं। राहुल देवतिया को 1 ओवर ही मिलता है लेकिन 1 विकेट लेते हैं 6 रन देकर। वहीं जयदेव उनादकर 2 ओवर फेंकते हैं, 14 रन देते हैं और 1 विकेट भी लेते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बैटिंग की, तो राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा रन टॉम कुरेन द्वारा बनाए गए। टॉम कुरेन ने 36 गेंदों का सामना किया और 54 रन बनाए। इसके बाद नाम आता है जोश बटलर का, तो 30 के पार भी नहीं पहुंच पाते हैं। जोश बटलर 16 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाते हैं। राहुल देवतिया 10 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाते हैं। बात करते हैं केकेआर के बॉलिंग की, तो कोलकाता की तरफ से कमलेश नागरकोटी ने 2 ओवर फेंके 13 रन देकर 2 विकेट भी लिए। शिवम मायावी ने 4 ओवर फेंके 20 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। शिवम मायावी की आज शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर फेंके 25 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो इस प्रकार से दोनों ही टीमों के बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे और अपने फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।